अभी रुकना पड़ेगा काफी देर। बकरा है ऊपर, बकरा है क्या? भगाएगा कौन? सो गुड मॉर्निंग एवरी वन, वी ऑलरेडी हैड आवर ब्रेकफास्ट एंड ब्रीफिंग, नाउ वी आर गोइंग बैक टू नाको टुडे। सो आज से हमारी वापसी शुरू होगी और आज का जो स्टे है दैट इज गोइंग टू बी नाको। चलते हैं फ्यूलअप के लिए दुनिया के सबसे ऊँचे पेट्रोल पम्प में। देयर इट इज। अरे बाप रे, बहुत लंबी क्यू है। So saying goodbye to Gaza once again. अब देखो कब मिलता है वापस आने को। जितनी बार गाजा या स्पीति आ रहा हूँ मैं, इतनी बार कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ डिफरेंट दिख रहा है। इस बार रोड्स दिखी हैं काफ़ी सारी जो पहले नहीं थी, और कई चीज़ें नहीं हैं, कई रोड्स नहीं हैं। मार्केट वैसे ही है और लोग वैसे ही हैं। सो पूरा कॉन्वॉय आ गया है, चलते हैं हम नाको की तरफ। 111 किलोमीटर का डिस्टेंस है अभी और 2 घंटे 42 मिनट का टाइम दे रहा है ये। तो अभी बज रहा है 11:15, तो हम लोग अराउंड 2-2.5 बजे पहुंच जाएंगे। तो कोशिश ये करेंगे कि लंच जो है हम नाको में ही करें। आज सुबह गाजा में बर्फ़ पड़ रही थी, बहुत ही हल्की हल्की, ग्रैन्यूल्स नहीं होते जो, वो वैसी वाली बर्फ़ पड़ रही थी। बादल थे पूरे, फिर थोड़ी देर पहले अभी मौसम खुल गया। बट क्या व्यू आ रहा है देखो, अभी तक मैं घर से 825 किलोमीटर चल चुका हूँ और अभी उतना ही और वापस जाना है मेरे को। We are at Sichling right now. छोटा सा विलेज है बट यहाँ पे भी होम स्टे वगैरह हैं। मुझे ये वाला पैच बहुत पसंद है, मज़ा आता है राइड करने में। ग्रैवल ही ग्रैवल। A group of ibexes. रुक के देखते हैं, चलो। पूरे ibexes का झुंड है, छोटे हैं अभी सारे। It's a beautiful location. Look at it. और मौसम उधर खराब हो रहा है। तो टाबो में हुई है बारिश, ये रहा वो स्टे जहां हम रुके थे। एक घंटे की जर्नी और बचती है हमारी। कई कई जगह पे पत्थर गिर रहे हैं, काफी लोग खड़े हुए थे क्लियर करवाने के लिए। अभी तो यहाँ पे तो सही है, बस अब हुरलिंग आने वाला है नीचे, हुरलिंग में रुकेंगे हम लोग। चोइंग होम स्टे रंग जोन फूड कॉर्नर में रुके हैं चाय पीने के लिए। यूटिलिटी काफ़ी पीछे है और मृत भाई और आयुष अभी पीछे हैं,
30 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है हमारे बीच में। तो यहाँ थोड़ी देर वेट करते हैं, चाय पीते हैं और देखते हैं अगर गियर्स पहनने की ज़रूरत पड़ी, रेन गियर्स पहनने की ज़रूरत पड़ी तो वी विल बी वेयरिंग दोज टू। राइट, चलो चाय पी जाए, वी रेडी टू गो। तो अभी जो होम स्टे है वो 44 किलोमीटर है यहाँ से और 55 मिनट का रास्ता रिमेनिंग है। तो अब चढ़ाई शुरू होगी और अभी सुमदो में रुकना पड़ेगा हमें। सुमदो में शायद दोबारा से एंट्री होगी, एंट्री या एग्जिट जो भी है काउंट करेंगे वो। परमिट्स हो गए हमारे चेक, नाउ वी आर लीविंग। सुमदो के बाद रोड्स बेहतरीन है, आधे घंटे में हम लोग नागो पहुंच जाएंगे यहाँ से। आई थिंक दैट इज वीर नकाई। हम लोग पहुंच गए हैं चांगो। चांगो क्रॉस करने के बाद चढ़ाई शुरू होगी और बिलीव मी बहुत भयंकर हवा चल रही है। मतलब एक तो फ्रंट विंड है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं और ऐसा धक्का लग रहा है ना एकदम से। अब हमारा चढ़ाई शुरू होगी नाको के लिए। क्लाइंब अप और वो सामने आप देख रहे हो राइट साइड में मेरे, दैट इज नाको। मज़ा आया, बहुत मज़ेदार राइड थी और थैंक्स टू वी आर ओ इतनी बढ़िया रोड्स हैं, बट ना भी होती तब भी मज़ा आ जाता। राइट, ऑफ रोड्स के अलग ही मज़े हैं। तो ये वाला पैच मैंने पूरा ऑफ रोड किया हुआ है, काफ़ी लोगों ने किया हुआ होगा ये। राइट, अभी रुकना पड़ेगा काफ़ी देर। बकरा है ऊपर। बकरा है क्या? सो हम लोग दो दो करके निकाल रहे हैं सो दैट सबको इंजरी ना हो। काफ़ी पत्थर ऊपर से गिर चुके हैं। बर्फ कितनी तेज पिघल रही है। तो ये हम हुए एंटर नाको में। लेक तो शायद अब नहीं जमी हुई होगी, अभी पिघल चुकी होगी लेक। अदरवाइज जनवरी फरवरी मार्च में लेक जमी हुई होती है। Evening people, we have finally reached Nako and this is our stay. It's Tashi homestay, right? This is the parking, sab bikes and utility yahan lagi hai. Now hum log track pe ja rahe hain view point pe, which is right on the top there. Okay, to chalte hain humne. So this is the way to the top.
I have with me Simrat bhai. Yep. मैंने कभी नाको एक्सप्लोर नहीं किया था. दिस इज माय फर्स्ट टाइम. रुका हूँ पर एक्सप्लोर नहीं किया है. वाह, नाको बना रही है अभी. डू नॉट टच इट, इट्स ब्रेकेबल. Respected ladies, do avoid to visit beyond this boundary in the following conditions: during menstrual period, during pregnancy. Your negligence may cause you hurt. Okay. Let's go to the top. They have closed it. I don't know why. Get it. So I am on the top of Nako village. यहाँ पे टाइम लैप्स बना रहा हूँ मैं, राइट. एंड आज का मैं व्लॉग सोच रहा हूँ कि यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, राइट. अब हम लोग रेस्ट करेंगे. कल की जो जर्नी है वो ज़्यादा लंबी है और कल हमें निकलना है रामपुर. तो 180 किलोमीटर्स हैं यहाँ से. आज की भी जर्नी बहुत लंबी तो नहीं थी, बट हाँ मज़ेदार थी, राइट. और कई दिनों से मेरा व्लॉग प्रॉपरली ख़त्म नहीं हो पा रहा है, बिकॉज़ यू नो रात को इस बार क्या है ना, हम लोग खुद घूमने नहीं आए, किसी को घुमाने आए हैं. सो वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो प्रॉपरली क्लोज़र नहीं दे पा रहा था मैं कुछ व्लॉग से. सो दिस टाइम अभी मुझे मौका मिला है तो अभी क्लोजर कर देते हैं. रात को डिनर करेंगे, रेस्ट करेंगे, फन करेंगे. दैट्स इट. बिहाइंड मी इज नाको विलेज, ब्यूटीफुल नाको विलेज, ब्यूटीफुल सनसेट, राइट. और एट द एंड फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, पूरी सीरीज़ देख लेना और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर देना, राइट. सो थैंक यू सो मच. कल के व्लॉग में मिलते हैं. बाय बाय. रात के बजे हैं एक, आसपास कुछ नहीं दिख रहा है. यहाँ कहीं राजभाई है और हम लोग है नाको लेक पे खींचने आए हैं गैलेक्सी.